गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट दी सम्स। ये सॉल्व क्यों नहीं किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो सॉल्व। अगला स्टार्ट कर लिया आपने, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना। फोर बाहर। अगर आप फोर ऐसे लिखते हो ना तो ये फोर्थ रूट ऑफ थ्री बन जाता है, लेकिन हमारा है क्या, फोर मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री है, तो ये डिफरेंट है। ये फोर्थ रूट ऑफ थ्री है, ये फोर मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री है, ठीक है। इसलिए फोर का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर क्या बनेगा, क्या होता है, 48। और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फॉर्मूला बच्चे यहां लिखो, ऐसे लिखो, पूरा लिखो, यहां रब करो उसे। रख कर डस्टर लेके रख, नीचे भी फॉर्मूला लगा बाद में अप्लाई करना। माइनस आएगा नेक्स्ट आपकी टर्न है सामने। क्या आएगा 48 रूट थ्री, 2 6 12, 12 4 48। प्लस करो, कहाँ है, बैक है उसका। दिव्या को बता दो 11 है, नहीं 11 ही, कितने हैं 11 मैम, इधर गए
ये आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे कैसे सॉल्व होना है ये 84 माइनस 48 रूट 3 अपॉन माइनस 12, इसमें से 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो इसमें से, 12 सेवन जा 12 फोर जा 48 अपॉन माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, माइनस बच गया, ये जो माइनस है ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 7 प्लस 4 रूट 3, माइनस 7 प्लस 4 रूट 3 ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ये जो आंसर आया था ना ये 84 है वो 48 है, सॉल्व नहीं होते क्योंकि उसके साथ रूट 3 है, 12 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर के साथ 12 कैंसिल कर दिया और जो माइनस साइन लेफ्ट आउट था उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया वापस। अगर आपने माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपसे ए कोई पूछे ए प्लस बी रूट 3 है, ए की वैल्यू क्या होगी माइनस 7 और बी की वैल्यू प्लस 4, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट, आओ सौम्य, प्लस 4 रूट 3, ये रब कर दो सारा, डस्टर इधर ही रखना, इधर इधर इधर, चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इज इक्वल टू, जो आप डिनोमिनेटर में दिया होता है उसका साइन रिवर्स करते हो, रिवर्स करना है प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसे क्या कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये क्या आया है और उसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, या रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, कॉन्जुगेट कहें या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहें एक ही बात है। ऐसे भी हो सकता है एमसीक्यू में 3 ये दिया होगा आपसे पूछेगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, अच्छा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 1 बाय रूट 2 का, 1 बाय रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है रूट 2, मेरी बात सुनो इधर, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2 भी हो सकता है 2 रूट 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछे लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर तो रूट 2, क्योंकि 2 रूट 2 भी हो सकता है रूट 2 भी हो सकता है, तो लीस्ट कौन सा है इनमें से रूट 2, तो इस वैसे इसके दोनों ही रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं लेकिन रूट 2 इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर यहाँ 1 बाय 7 रूट 3 हो जाए तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, सौम्या इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा रूट 3, और इसका 7 रूट 3 भी हो सकता है लेकिन लीस्ट कौन सा है रूट 3, तो आप रूट 3 लेके चलोगे, आपने रूट 3 से ही करना है 7 रूट 3 से नहीं करना, लेकिन हो दोनों ही सकते हैं, करो मैंने करवाया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, अच्छा यस तितिक्षा, मैम आई वांट टू आस्क दैट अगर हमने मैम इरेशनल नंबर निकालने हैं रूट 2 और रूट 3 के बीच में, तो रूट में रूट 6 भी आंसर आ सकता है? हाँ जी आ सकता है, रूट ऑफ रूट 6 मैम वो कैसे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ये रूट ऑफ रूट ए बी फॉर्मूला होता है बच्चे, ये आप क्या कह रहे हो रूट टू और रूट थ्री का रैशनलाइज, आप क्या कह रहे हो उन दोनों के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर आएगा? नहीं
हाँ जी, अगर हमें ऑप्शंस में आप रूट सिक्स इरेशनल कह नंबर, रहे थे, 1 मिनट, आप रूट सिक्स कह रहे थे या रूट ऑफ रूट सिक्स कह रहे थे? रूट ऑफ रूट सिक्स, हाँ, रूट ऑफ रूट सिक्स आ सकता है, फॉर्मूला है बच्चे मैम की। रूट सिक्स तो, रूट सिक्स तो नहीं आ सकता ना? नहीं, रूट सिक्स नहीं आ सकता, वो तो ग्रेटर है इनसे, वो तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो तो इनसे ओके बड़ा है, वो इसके बीच में नहीं आ सकता। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6, आंसर इज 6। एनी डाउट इन दिस? अच्छा, इज इट रैशनल और इरैशनल जो इसका आंसर आया वो रैशनल? अच्छा एक और बात सुन लो, दो इरैशनल का सम रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है, दो का डिफरेंस रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, ये दो इरैशनल नंबर थे, एक ए और एक ए, दोनों का सम क्या आया? रैशनल। अगर इरैशनल लाना हो, इसका क्या मतलब है कि रूट वाला चाहिए, बाकी रिमूव करना है, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, ये आपने लिखा ना, एक ए हो गया, दोनों का सम करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये कैंसिल, ये क्या आ गया? 2√2। रैशनल चाहिए इसका मतलब रूट वाला कैंसिल करना है, तो रूट वाला ऑपोजिट साइन ले लेना, और अगर रूट वाला चाहिए तो नंबर का ऑपोजिट साइन ले लेना, वो कैंसिल हो जाएगा, रूट वाले ऐड हो जाएंगे, हमेशा ऐसे है। अच्छा इसका एक और एग्जांपल देखो, अगर दो इरेशनल नंबर लिए, अगर दो इरेशनल नंबर लिए, उनको डिवाइड किया, मतलब उनका क्वोशेंट निकाला, डिवाइड के बाद जो आंसर आता है दैट इज नोन एज क्वेश्चन। अगर रूट टू को 2√2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 1/2, विच इज रैशनल। और अगर आप ऐसे लेते हो, ये तो रैशनल है ना, अगर इरैशनल आंसर लाना हो तो √2/√3, दोनों ही इरैशनल है और इनका आंसर भी क्या आएगा? इरैशनल। रैशनल लाना है ना जब, तो ये मतलब कट कट करने हैं आपने, सिंगल नंबर बचना चाहिए, और जब इरेशनल चाहिए तो आंसर रूट में आना चाहिए, ठीक है? तो आंसर रूट में ही आ रहा है, तो ये दो की डिवीजन के रैशनल नंबर है, ये दो के डिवीजन इरेशनल है। तो आपने याद रखना है, जब रैशनल चाहिए तो रूट वाला कैंसिल होना चाहिए सब में, प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी, और जब इरेशनल चाहिए तो रूट वाला कैंसिल नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है? तो ये आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी लगा दो, ये भी इरेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल ही आएगा। ऐसी दो का प्रोडक्ट, दो ही रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल आना चाहिए। ये देखो, 2√2 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट करो, √2 × √2, 2 2 2 4, ये क्या आ गया? रैशनल। अब इरेशनल चाहिए, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा? इरेशनल। जब ये वाले चाहिए तो आंसर सेम ले लेना, ताकि मल्टीप्लाई करके नंबर में आ जाए, जैसे डिवाइड में किया, 2√2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया था, यहाँ पर भी सेम ले लो, ताकि मल्टीप्लाई होके 2 आ जाए, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई रूट वाला चाहिए आपको, तो ऐसे नंबर लेना जिनका आंसर रूट में है, जो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ले लेना। इसका मतलब दो इरेशनल का सम रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, कोई फिक्स नहीं है कि आंसर इरेशनल ही आएगा। इसका मतलब चाहे दो इरेशनल नंबर का सम करो, चाहे सब्ट्रैक करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, आंसर मे बी समटाइम्स रैशनल और इरेशनल, कोई फिक्स नहीं है कि रैशनल ही आएगा, इरेशनल ही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आप क्या ले रहे हो उसे, ठीक है? तो ऑप्शंस अगर आ जाएं, सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी में भी, तो आंसर कोई पर्टिकुलर एक नहीं आएगा, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, ठीक है? तो ऐसी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में एक आधा करवाया भी था, ऑप्शंस दी हुई थी, सेम उसके एग्जांपल दे दिए आपको। आ जाओ ब्रिजेश, करो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन।
नोटबुक ले आए हो साथ ही हैं? बड़ा अच्छा है। नहीं आप करना था, दोबारा हो जाता है एक बार प्रैक्टिस। ये सॉल्व क्यों किए? सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे इरेशनल। ठीक है थर्ड करो। जीरो पॉइंट फोर, ठीक, टू बाय फाइव आ जाएगा कटिंग करके, विच इज इरेशनल। आपके पास एक्स क्यूब गिवन था, एक्स फाइंड कर लिया क्यूब रूट करके, वाई स्क्वेयर गिवन था, वाई की वैल्यू फाइंड कर ली रूट सेवन, विच इज इरेशनल। जेड स्क्वेयर गिवन था, रूट रिमूव करके रूट लगा दिया यहाँ पे स्क्वेयर रूट, इसका आंसर जीरो पॉइंट फोर, डिवाइड करके 2/5 आ गया, विच इज रैशनल। नेक्स्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 4, 5 देन 6। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई है, रूट 72 प्लस रूट 800 माइनस रूट 18 सॉल्व करना है। मगन आ जाओ, फैक्टर्स फाइंड करने हैं सबके, पहले 72 के, फिर 800 के, फिर 18 के। सब कर दो सर, थोड़ा इधर से, इधर से, इधर से और इधर आओ। सेम नंबर को बाहर निकालना है, ऐसे नहीं लिखना, पता कैसे चलेगा किसको बाहर निकालना है? 2 × 2 × 2 ऐसे करके लिख। प्लीज आप दोनों वहां से फोर सिक्स एट नाइन 12, 15, 16, 17, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 33 41, 44, 30, 37 जसप्रीत, जतिन 24, रिद्धिमा 43, 45 काउंट करो कितनी, 26 होने चाहिए। करो 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 सॉल्व करो, ठीक है ठीक है ठीक है, 18 के करो फैक्टर, वर्बली करो बेटा वर्बली करो। क्या हुआ, 2 9s 18 होता है, 9 के क्या होते हैं, लिखो फिर।
800 के फैक्टर में डबल 5। चलो मैंने अभी बताया आपको, गलत लिख रहे हो आप। 2 और 3 बाहर आया, कैसे लिखेंगे? 6 लिखो। रूट बा ऐसे लिखेंगे उसके अंदर, तो 6 रूट बन जाएगा उसका, 6 अलग है। करो जल्दी, किसकी वेट कर रहे हो? अंडरलाइन करो जल्दी जल्दी। अंडरलाइन करो बेटा, क्यों वेट क्यों करते रहते हो? 2 2s are 4 5s are 20 root 2 लिखो, 20 root 2। फिर वैसे लिख रहे हो रूट, इसमें से 3 बाहर। सी वाई, फिर देखो गलत लिख रहे हो, बाहर लिखो 3। चलो करो सॉल्व, सारे सेम है, ये सारी लाइक टर्म है, √2 √2 √2 सारी सेम है, दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 26 में से 3 माइनस किए, 23 √2 23 बाहर करो, रूट ही करो रूट। चलो छोड़ दो, रखे हो इसको वापस। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। इधर आओ, इधर 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 यहाँ करो। थप्पड़ खींच के, ये फॉर्मूला इसका क्या होता है? a+b a² क्वेश्चन नंबर 6, उधर 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 उधर
क्या करेंगे? हाँ, फाइंड सी फॉर विच द लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स इक्वल टू वाई लिख दो, एक्स इक्वल टू वाई, जहां एक्स है वहां वाई कर दो. हाँ, किसी में भी एक्स को वाई कर दो या वाई को एक्स कर दो. ये समझ आई? कहता है सी की किस वैल्यू के लिए एक्स और वाई सेम है, मतलब एक्स और वाई इक्वल है. आपकी बुक में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन था, उसमें उसका लास्ट फिफ्थ पार्ट कहता है कौन सी वैल्यू के लिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आता था. तो एफ इक्वल टू सी किया था तो सेम तो है, -40 डिग्री पे आंसर आया था उसका आंसर. तो एफ को सी पुट कर दो या सी को एफ पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी. सेम करना है, सॉल्व करो. वाई कॉमन इज इक्वल टू 8. सी की वैल्यू निकालनी है. कहता सी की किस वैल्यू के लिए दोनों सेम है, सी निकालना है. सी मतलब वाई को उधर ले जाओ, सी निकालो. बस हो गया. ये सी की वैल्यू है जिसके लिए एफ और जिसके लिए एक्स और वाई क्या है सेम. तो ये सी की वैल्यू आ गई. सॉल्व नहीं होती, सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि एक्स भी अननोन है, वाई भी, सी भी, करें क्या फिर. ये आ गया, ठीक है. अगर आप वाई की जगह एक्स पुट करते ही तो यहाँ एक्स आ जाता, तो बात तो एक ही है, कोई भी निकाल लो, ठीक है. क्योंकि एक्स और वाई क्या है सेम, वाई की जगह एक्स लिख दो या एक्स की जगह वाई लिख दो सेम है. तो ये आंसर हो ऑप्शन में या ये हो एक्स की वाई की जगह एक्स लिख दिया, सेम तो है क्योंकि एक्स और वाई क्या है सेम. नेक्स्ट करो, ये इसके थ्री पार्ट्स हैं. हाँ, एक्स कॉमन. आ जाओ धैर्य. सेवेंथ क्वेश्चन. इधर 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 सेंटर में क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हाँ जी, एक्स की वैल्यू 2, वाई की जगह 3 पुट करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी. फाइंड करो पी, जो हाँ जो ये पुट करोगे इक्वेशन बन जाएगी ना, इक्वेशन बनानी है. डस्टर से ये सारा रब कर दो. ये अलग है, थ्रीज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करो, वो अलग है, वो कांस्टेंट है. ये एक्स के साथ है, ये वाई के साथ है, ये कांस्टेंट है. माइनस नहीं करना उसको. वो थ्री किसके साथ है, ब्रैकेट के साथ, तो थ्री मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट बाद में, चलो करना ठीक है. माइनस उसने ब्रैकेट नहीं ओपन करी अभी, अभी करी नहीं ब्रैकेट, करेगा अभी ओपन. अरे सॉल्व करो पी को, 2p-6p क्या आएगा, उसको भी सॉल्व करो. 2p-6p -4p, वो प्लस का ये माइनस का है, लिखो आंसर -4p इक्वल टू, अरे रब करके दोबारा लिखो,
इधर आ गया माइनस एन प्लस एट, इधर जाके प्लस एट लिखो एट, पी कितना आएगा? अरे सीधा आंसर लिखो, इतने बड़े हो, डिवाइड करके देखते हो इसको भी। ये देखिए देखिए, एक मिनट इधर देख, देख क्या लिख रहे हो, कितना गंदा लिख रहे हो, माइनस टू। पी की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब कहते हैं राइट द इक्वेशन, इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो p की वैल्यू आई है ना, वो इसमें पुट कर दो। p की वैल्यू क्या आई है, यहां पुट कर दो, x सेम माइनस p की वैल्यू माइनस टू माइनस फोर प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये बन गई इक्वेशन। अब कहता है हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैज, इनफाइनाइट। इज दिस लाइन पास थ्रू माइनस टू थ्री, इसमें पुट करो, पुट करके देखो जीरो आता है, इसकी जगह माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू थ्री, प्लस टू फाइव माइनस वन फोर आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास। पुट करके देख लेना, वेरीफाई होती है तो करती है, अदरवाइज इट डजंट पास थ्रू द गिवन पॉइंट।